गौरी को मैंने खाना दे दिया है। मैं ज़्यादा जोर से नीचे बोल नहीं सकती थी सीढ़ियों में, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, बिल्कुल सन्नाटा हो रहा है। अगर किसी ने सुन लिया कि वहाँ पे गौरी बैठ है तो ना उसको ना बाहर निकाल देंगे। ये मेरी किट्टू है, गौरी को रोटी खिला दी है, किट्टू ने दूध पी लिया, आज किट्टू ने गौरी का भी दूध पी लिया, किट्टू ने गौरी का दूध पी लिया। ये देखो ये क्या है, टिक्स है क्या है किट्टू, ये देखो ये देखो टिक्स है दोस्तों, ये देखो टिक्स, ये देखो दोस्तों कहाँ घुसा हुआ है। ये देखो ये रोशनी में देखो, ये देखो ऐसे नहीं मरेगा, ये ऐसे मरेगा, ऐसे आई आवाज, आई आवाज। ये देखो जैसे जू मारती है ना, जैसे जू मारते हैं ना, ऐसे टिक्स मारते हैं। इतना तो मैंने भी सीख लिया है कुत्ता पालन करते करते, जैसे चू मारते हैं ना वैसे टिक्स मारते हैं कुत्ते के। और देख लो इसको अभी नहलाया था, अभी फिर कुत्ती काली होके आ गई है, ये देखो काली होके आ गई है, बिल्कुल काली काली कलुट्टी किट्टू। नीचे खींच के ना, अरे ये देखो कैसे, ये देखो कैसे इसको पता थप्पड़ पड़ने वाला, आंखें पर एक कैसे थप्पड़ पड़े ना तो किट्टू आंखें बंद कर लेती है इंसानों की तरह। जब हम बच्चे को मारते हैं तो बच्चा कैसे आंखें बंद करता है ना, ऐसे किट्टू भी आंख बंद कर लेती है। क्या भी मुझे मत मारो, हाल ना इसने गौरी का दूध पी लिया पता है, क्योंकि ना यहाँ पे ना एक बहुत अच्छा बंदा है मिल्कमैन दूध वाला, कभी कभी ना वो ना इनके ऊपर दया करके ना इनको ना डब्बे रखे हुए ना मैंने नीचे, तो ना वो ना इनको ना कभी कभी ना दूध दे देते हैं। तो किट्टू ने पता है क्या करती है, आज चला की क्या करी, गौरी को डरा दिया, गौरी डर के बैठ गया एक तरफ जाके, गौरी किट्टू से डर गया, किट्टू ने गौरी का डब्बे वाला दूध भी पी लिया, किट्टू ने गौरी का दूध भी पी लिया। इतनी शानी है ना ये देखो चोट लगी पड़ी है, ये देखो ये चोट है, टिक्स नहीं है, ये चोट है। अभी ना श्राद्ध चल रहे हैं, सब लोग कुत्तों को रोटी खिलाएंगे, ठीक है, कुत्तों को रोटी खिलाएंगे, कुत्ते को रोटी खिलाएंगे, कुत्ते रोटी खा ले, कुत्ते रोटी खा ले। पहले तो कुत्तों को इतना डरा देते हैं कि कुत्ते इंसानों से डरते हैं, इतना उनको मारते हैं डराते हैं, फिर साल में जब श्राद्ध आते हैं ना तो फिर इनके आगे रोटी डाल देंगे, पूड़ी हलवा दे देंगे कुत्तों को, कि पंडित ने बोला है कुत्ते को कौवे को रोटी दे दो, तब उनको कुत्ते की याद आती है साल में एक बार।
टिक्स लग रहा है मुझे तो। दिखाइए लिट्टू, इधर दिखा, नीचे कोई है पड़ोसी, सब सुन लेंगे, कुत्ती सब सुन लेंगे, चुप हो जा। टिक्स अच्छा अच्छा चोट है, चिल्लाती ऐसे है, मुझे तो ये टिक्स लग रहा है। ये देखो, आपको टिक्स लग रहा है? ये देखो, ये अच्छा 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 सुबह तो हवा ठंडी है, फिर ना जैसे ही धूप आएगी ना तो हवा भी ठंडी नहीं होगी, गर्म होगी। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। हाँ, एक चीज़ और, मैक्स को मैंने डॉक्टर के पास चेकअप करा दिया। आपको मैंने मैक्स का वीडियो दिखाया था दो बार, जब उसके बॉडी पे चोटें लगी पड़ी थी तो डॉक्टर को दिखा दिया। कल का वीडियो भी आप देख लो, मैं उसको लेके गई हूँ, बैटरी वाले रिक्शा पे लेके गई हूँ उसको, तो उस पे से भी वो भाग रहा था बड़ी मुश्किल से, उसको पकड़ पकड़ के रखा। सड़कों पे देखता है ना गाड़ियाँ स्कूटर तो बड़ा खुश होता है, वो कहता है मैं भी खेलूँ। अब उसे क्या पता सड़क पे छोट के अगर वहाँ पे बीच रोड में अगर वो उछल के बीच रोड में चला गया तो ट्रैफिक में वैसे ही मारा जाएगा, इसीलिए बच्चे का हाथ पकड़ के रखना पड़ता है भीड़ में, समझ रहे हो। बच्चे को तो नहीं पता ना, माँ बाप को तो पता है बच्चा का ध्यान रखने का, और ये काम करती हूँ मैं। काफ़ी सारे लोग लाइव में मेरे से पूछते हैं क्या करते हो, मैं ये करती हूँ, कुत्तों को प्यार करती हूँ, कुत्तों को बचाती हूँ दुष्ट लोगों से, ये करती हूँ मैं। चाइना वाले तो मार के खा जाते हैं, ठीक है, मैं ये करती हूँ। मैं कुत्ता बचाओ अभियान, कुत्ता बचाओ काम पे जाओ। किट्टू ने पिया गोरी का दूध, अब आप देखना फुल वीडियो में कैसे पिया किट्टू ने गोरी का दूध। ये देख किट्टू, ये है किट्टू, ये देख लो, सॉरी है। और मैक्स को ठीक करवा दिया डॉक्टर ने, दो इंजेक्शन लगाए, लड़के ने चू नहीं करी, जरा सी भी चू नहीं करी लड़के ने। मेरे भी हाथ में चोट लगी, मैंने वो भी आपको दिखाया था वीडियो, मेरे हाथ में इतनी चोट लग गई, मशीन में कपड़े धो रही थी, कपड़े इतनी मोटी मोटी चादरें होती है ना, कई बार मेरे हाथ कंधे सब दर्द हो जाता है, मन नहीं करता। कई बार श्राद्धों में तो वैसे ही कपड़े नहीं धुलते दो तीन दिन, तो इकट्ठे कपड़े धुलते हैं। और वीरवार थर्सडे को भी हमारे यहाँ कपड़े नहीं धुलते, जैसे आज का दिन है ना, आज थर्सडे है, कपड़े नहीं धुलेंगे, तो दो दिन के कपड़े इकट्ठे हो गए। और फिर चादरें होती हैं, टॉवल होते हैं, पानी में भीग के तो वो और ज़्यादा भारी हो जाते हैं। बस वो धो रही थी, एकदम से मेरे हाथ में इतनी चोट लग गई। वो कल भी कपड़े नहीं धोने थे तो मैंने कहा कि कल कपड़े तो धोने नहीं है, और मैक्स को भी लेके जाना है, क्योंकि ये काम बहुत ज़रूरी था, कपड़े धोने हो चाहे नहीं धोने, घर के काम तो गए एक तरफ, लेकिन मैक्स को डॉक्टर के पास लेके जाना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए मुझे तो खुद ही चोटें लगती रहती हैं, नील पड़ जाते हैं, हाथ पैर दर्द होने लगते हैं। मशीनी तो है शरीर, कब तक चलेगा। मैक्स को डॉक्टर के पास लेके गई, इतनी मुश्किल से लेके गई हूँ ना, मैं जानती हूँ, मेरा भगवान जानता है,
वीडियो मैं आपके पास भेज दूँगी, प्लीज़ आप ज़रूर देखना, क्योंकि उसको डॉक्टर के पास लेके जाना बहुत ज़रूरी था। ये सब तबीयत ख़राब ना लोगों की वजह से हुई, लोग अगर दरवाज़ा खोल दें, बारिश में बच्चे भीग रहे हैं, उनकी वजह से ही ऐसा होता है। बच्चे बारिश में भीगते हैं और बारिश में भीगने की वजह से उनको बॉडी में प्रॉब्लम होती है। बारिश में तो वैसे कीड़े निकलते हैं बारिश के पानी में, क्योंकि मैंने देखा है बारिश के पानी में कीड़े। ये देखो कैसे आलस चाट रही है, हाय मेरी कुकी बच्ची, हाथ दबा दे मम्मा, हाय मेरी गुड़िया के हाथ दबा दो गई, ओ मेरा बच्चा हाथ दबा रही है मम्मा, हाथ दबा रही है, तेरी हाथ दबा दे, हाथ दबा दे, दर्द हो गई, सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के दर्द हो जाते हैं इसके हाथ, देख लो कैसे हाथ दबाती है, कहती है तू सो मत, हाथ दबा, सारा दिन सेवा करवाती है, सारा दिन देख लो कैसे सो रही है, पेट भरा हुआ है इसका, इसने गौरी का दूध पी लिया, गौरी को मैंने रोटी दे दी है। अब नीचे बैठ के हम जोर से नहीं बोल सकते दोस्तों, आप समझ सकते हैं, सब सुन लेंगे तो गौरी को बाहर निकाल देंगे वो लोग, इसीलिए को बाहर का मौसम दिखाती, देखो कैसा हो रहा है बाहर का मौसम, ये देखो बादल आ रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे बारिश आ जाएगी, बारिश वाला मौसम हो गया है। ये देखो टमाटर के ऊपर फूल आ गए, बाकी सारे तो हट गए क्योंकि ना ये खराब हो गए थे सारा, ये सारी क्यारी का मैंने साफ़ कर दिया, एक बचा हुआ है टमाटर का और इस पर फ्लावर भी आ गया, ये देखो वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। ये देख लो किट्टू को टेरिस पे बैठेगी अब आराम से, हाँ कहाँ हो गया, कहाँ हो गया मेरी गुड़िया को, कहाँ हो गया, बैठना है कहाँ, बैठना है कहाँ, बैठना है मेरी बेटी को कहाँ बैठना है बताओ, कहाँ बैठेगा मेरा बच्चा, बैठ जाओ बैठ जाओ, कहाँ बैठना है बैठो, तो दोस्तों वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। मैं लाइव स्ट्रीम में भी आती हूँ तो अभी लाइव स्ट्रीम में आऊँगी, अभी मुझे सब्ज़ी बनानी है और सब्ज़ी का नाम भी मैं आपको बता देती हूँ, आज मैं टिंडे बनाऊँगी, मुझे करने हैं बहुत सारे काम और मैं जा रही हूँ अब नीचे। किट्टू अभी छत पर बैठी हुई है, किट्टू ने खाना खा लिया है, किट्टू अपना काम कर रही है, मैं अपना काम करूँगी, काम करना ज़रूरी है दोस्तों, कुत्ता पालने के साथ साथ ना घर के काम भी ज़रूरी हैं, घर वाले उठा के ना बाहर निकाल देंगे इन कुत्तों के चक्कर में, इन कुत्तों का तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, ये तो आराम से बैठी हुई है महारानी, और इनके चक्कर में मुझे बाहर निकाल देंगे। देखो किट्टू की निशानी, किट्टू के मस्सा है पैर में, ये देखो मस्सा है, मस्सा बड़ा हो गया, पहले बहुत छोटा सा मस्सा था ये, है ना किट्टू, हाँ किट्टू मज़े ले रही है ज़िंदगी के मम्मा के साथ, यहाँ पर इसको बड़ा मज़ा आता है मम्मी के साथ, कभी छत पे बैठेगी कभी नीचे बैठेगी।
ये देखो दोस्तों एक और टिक्स निकला है, मार दिया टिक्स। देखो ये ना रोशनी में तो दिख भी जाते हैं, अंधेरे में नहीं दिखते। ये देखो यहाँ से निकला है गर्दन के, खून चूस लेते हैं। ये देखो दोस्तों टिक्स, वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगे प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना, बने रहिए हमेशा मेरे साथ। थैंक यू, लाइव आऊँगी, लाइव में ज़रूर आना, मैं आप सबको इनवाइट कर रही हूँ। मैक्स के वीडियो शॉर्ट्स देखना, मैक्स को हम डॉक्टर के पास लेके गए थे, डॉक्टर के पास हमने ट्रीटमेंट करा दिया, दो इंजेक्शन लगे हैं, डॉक्टर ने दवाई भी दी है और धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और उसके ना बालों को ना उन्होंने ना रेज़र कर दिया था, जहाँ पर चोटें लगी हुई हैं ना बॉडी पर वहाँ से ना रेज़र कर दिया था बालों को। तो वीडियो ज़रूर देखना, थैंक यू। वहाँ पे ना ज़्यादा ना अलाउ नहीं है वीडियो बनाना, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे ना ब्रांडेड बच्चे थे जिनका मैंने बाहर कह रही हूँ बाहर रोड पर ही, जहाँ हम लाइन में लगे थे, लाइन में लगना पड़ता है डॉक्टर के पास जाने के लिए, तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे जिनका मैंने छोटा सा वीडियो बनाया। तो प्लीज़ ज़रूर देखना, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू।